टोनी गोरैया अपने जन्मदिन पर केक के सामने खड़ी रो रही थी। आज मुझसे मिलने कोई नहीं आया, ये जानकर भी कि आज मेरा जन्मदिन है, कोई नहीं आया। आखिर मैंने क्या गलती की कि मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। यूं टोनी रोए जा रही थी। आखिर टोनी के साथ ऐसा क्या हुआ, आखिर उसके परिवार में ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए हमें टोनी की कहानी जाननी होगी। वो एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में टोनी अपने माता पिता के साथ खुशी से रहा करती थी। टोनी के माता पिता मंत्र विद्या जानते थे। किसी भी तरह की बीमारी को वे अपने मंत्रों से दूर भगाया करते थे। इसलिए उस जंगल में रहने वाले कई तरह के पक्षी उनके पास आकर सहायता मांगते, उनसे समाधान का परिष्कार पाकर पैसे देकर चले जाया करते। उसी कमाई से उनका परिवार चलता था। यूं कुछ दिनों बाद उस जंगल में पक्षियां एक के बाद एक मरने लगी। आखिर ये किस वजह से हो रहा था, ये किसी के समझ में नहीं आया। उस जंगल का मुखिया बाज एक दिन सभी पक्षियों से कहने लगा, ना जाने क्यों मुझे लगता है इन सब के पीछे उस टोनी के परिवार का हाथ है। हाँ, पता नहीं क्यों मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्यों ना आप टोनी के परिवार को यहाँ बुलाकर एक बार बात कर लो। लूसी की बात बाज ने भी मान ली। फिर टोनी के परिवार को पंचायत में बुलाया गया। उस पंचायत में बाज ने टोनी के परिवार से कहा, पिछले कुछ दिनों से जंगल में एक एक कर पक्षियों की जान जा रही है, पर सभी को तुम्हारे परिवार पर ही संदेह है, इस पर तुम्हारा क्या कहना है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम सबका भला चाहते हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हाँ, ये सही कह रहे हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आप हमें गलत समझ रहे हो, यहाँ पर हो रहे किसी के भी मौत का कारण हम नहीं है। इस तरह सभी के सामने हमारा अपमान करना सही नहीं, ये कहते हुए उसने दुख जताया। ठीक है, अब जा सकते हो। ठीक उसी रात उन दोनों पति पत्नी की भी मौत हो गई। अपने माता पिता को यूं देख टोनी खुद को संभाल न पाई। माँ, भाऊजी, तुम्हें क्या हुआ है? माँ उठो ना, भाऊजी उठो ना, भाऊजी, ये क्या हो गया? यूं जोर जोर से रोने लगी थी टोनी। उसकी रोने की आवाज सुन आस पड़ोस में रहने वाले सभी पक्षी उसके घर पर आए। टोनी के पास आए छोटू तोता, चीचू कौवा, लूसी कबूतर और मही चील ने उसे सांत्वना दी। वहाँ पर आए सभी पक्षियों में छोटू तोता ने बाज को जाकर कहा, मैं न कहती थी इन्होंने कोई जादू मंत्र किया होगा जो उन्हीं पे भारी पड़ गया। यूं हर कोई आकर उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगा। फिर अंतिम संस्कार की विधि पूरी हुई। टोनी की सारी सहेलियों के घर में उनके माता पिता कहते, अब तुम में से किसी को टोनी से मिलने की कोई जरूरत नहीं, वो अच्छे परिवार से नहीं है, उससे दोस्ती रखने की जरूरत नहीं। यूं उन्हें डांटा करते। अपने माँ बाऊजी के डर से कोई भी टोनी से मिलने नहीं जाया करता। टोनी आते जाते अपने सहेलियों को देखती और आवाज भी लगाती तो वे अनसुना कर चले जाया करते। इसलिए टोनी मजदूरी कर पैसे कमाने लगी और उसी से अपना गुजारा कर रही थी। टोनी के माता पिता के मरने के बाद भी उस जंगल में और भी पक्षियां एक के बाद एक मरने लगी। लगता है वो टोनी भी कोई क्षुद्र पूजा कर रही होगी। उन सभी ने टोनी से मिलकर पूछा, कहीं तुम अपने माता पिता की तरह कोई पूजाएं तो नहीं कर रही। यूं जोर लगाकर बाज ने टोनी से पूछा, मैं ऐसा कुछ करना नहीं जानती। यूं बार बार उसे पूछते ही रहे पर टोनी का जवाब नहीं बदला। इस पर उन्होंने टोनी की बात पर विश्वास किया और वहाँ से चले गए। यूं ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद टोनी का जन्मदिन आया। वो अपने सहेलियों से मिलने गई। दोस्तों, आज मेरा जन्मदिन है, तुम सभी को जरूर आना है। तुम सब आओगे ना? मैं पिछली सारी बातें भूल चुकी हूँ, अभी अभी उस दुख से बाहर निकल पाई हूँ। अगर तुम सब आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यूं टोनी के कहने पर भी वे बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। इसी विषय पर सोचती हुई टोनी बहुत दुखी हो रही थी। माँ बाऊजी, जब से तुम दोनों चले गए हो मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है, समझ में नहीं आता मैं किस लिए जीऊँ। यूं ही रोते रोते टोनी की आंख लग गई। उस रात एक के बाद एक कर टोनी की सारी सहेलियां अपने घर में बिना बताए टोनी के घर आए। टोनी उठो, टोनी देखो हम आए हैं। आंखें मलती हुई टोनी ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वो सपना है या सच। टोनी, आज तेरा जन्मदिन है ना, इसीलिए हम सब तेरे लिए उपहार लेके आए हैं। हम सब घर में बिना बताए यहाँ आए हैं। सभी ने उसे उपहार दिए।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tony. Happy birthday to you. May God bless you, dear. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. यूं उन सभी ने गाना गाया। ये सब देखकर टोनी की आंखें खुशी से भर आई। दोस्तों, तुम सब यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच कहती हूँ, बहुत अच्छा लगा। अचानक उसकी आंख खुली तो समझ में आया कि ये सपना था। हकीकत में ना सही, पर सपने में तो सभी दोस्त आए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। पर अचानक जैसे उसने सपने में देखा, उसकी सहेलियां सच में उसके पास आई। लूसी ने कहा, हम सब घर में बिना बताए तेरा जन्मदिन मनाने आए हैं और तेरे लिए उपहार लेकर आए हैं। जल्दी से केक कटिंग कर लेते हैं और हमें घर जाना होगा, वरना हम जान से जाएंगे। फिर टोनी ने तुरंत केक कटिंग की। सभी ने तालियां बजाकर उसे बधाइयां दी। केक खाकर जाते जाते लूसी ने उससे कहा, दोस्त, हम भले ही तुम्हारे पास ना हो, पर तुम्हारे साथ हैं। हमारा ध्यान तुम पर हमेशा होता है। भले ही हम तुमसे बात नहीं करते, पर तुम्हारे बारे में हर जानकारी रखते हैं। हमारे माता पिता से डर कर हम तुमसे खुलकर कुछ नहीं कह पाते। बस यही एक वजह है, हम तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते जैसा सभी सोच रहे हैं। लूसी से ये बात जानकर टोनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। सच कहती हूँ दोस्त, तुम सबका यहाँ आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कम से कम इस तरह अपनी दोस्ती चलती रहेगी, इसकी खुशी है मुझे। टोनी ने अपनी मन की बात रखी। उसके दोस्तों ने उससे विदाई ली और वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़े। उस दिन से टोनी बाकी पक्षियों की सोच को लेकर कभी दुखी होती तो उसके दोस्त आज भी उसके साथ हैं, ये सोचकर खुश हुआ करती थी। हम भी इसी बात की आशा करते हैं कि गांव वालों को टोनी की सच्चाई का कभी न कभी पता चल जाए। टोनी गौरैया झूठे बर्तन धोकर उनका दिया हुआ खाकर अपनी जिंदगी बिता रही थी। ऐसे में एक दिन उसके मालकिन ने कहा, अरे ओ टोनी, आजकल घर का काम सफाई से करती नहीं तू, लगता है तेरी चर्बी बहुत चढ़ गई है, ठीक से किया करो। यूं बड़े गुस्से से कहा। उसकी बात सुनकर टोनी ने कहा, मेम साहब, दो दिन से ठीक से खाया नहीं, सेहत भी ठीक नहीं रहती, डॉक्टर को बताने के पैसे नहीं है, कमजोरी सी हो रही है, इसीलिए काम ठीक से नहीं कर पा रही, पर आपको बताने से डर रही थी। ऐसे टोनी ने सफाई दी। ये बात पहले ही बता देती तो डॉक्टर को बुलाती ना मैं, रुक। ये कहकर डॉक्टर को बुलावा भेजती है। थोड़ी देर में डॉक्टर छोटू तोता वहाँ पर आती है। क्या बात है, आपने मुझे बुलावा भेजा? आप वैसे ठीक तो लग रही है, बात क्या है? हाँ हाँ, मैं तो ठीक हूँ। वो हमारी नौकरानी, उसकी सेहत ठीक नहीं, एक बार उसे जांचिए तो। ये कहकर टोनी की ओर इशारा करती है। छोटू ने उसे देखा। अरे मासी, आप यहाँ? मैं यही हूँ, आप भला यहाँ काम क्यों कर रही है, क्या बात है? यूँ हैरान होकर छोटू ने पूछा। अरे बेटा, तुम कैसी हो? तुम्हें देखकर बहुत दिन हो गए, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? मैं पूछ कुछ रही हूँ और आप बता कुछ रही हैं। मैंने पूछा आप यहाँ काम क्यों कर रही है। क्या हुआ, कौन है ये, आपकी क्या लगती है? लगता है आप पहचानने में गलती कर रही है, ये मेरी नौकरानी है। नहीं नहीं, मैं इन्हें जानती हूँ, ये बहुत धनवान है और नेक दिल वाली भी। आखिर बताइए क्या हुआ है? तब रोती हुई टोनी ने कहा, मेरे बच्चों ने पढ़ाई पूरी करने के बाद शादी की और मुझे अकेला कर छोड़ गए। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं की। मैं घर पर कई समय तक अकेली रही। वे सभी कभी कभी मिलने आते और कहते, माँ माँ, कैसी हो तुम, ठीक हो ना, सब ठीक है ना? तुम दोनों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, पर तुम्हारे साथ बच्चे और पति नहीं है? माँ, हम तो किसी काम से यहाँ आए थे। वो आप इन कागजात पर साइन कीजिए ना। क्या है ये कागजात में लिखा हुआ, बताओ तो। हमने घर बेच दिया, हमारे बच्चों की अमेरिका में पढ़ाई के लिए बहुत खर्च हो रहा है। ये तुमने क्या किया, सदियों से इस घर में हम सब साथ में रहते आए हैं। माँ जैसे इस घर को बेचने का तुम्हारा मन कैसे किया, और वैसे अगर घर बेच दिया तो मैं कहाँ रहूँगी? तुम्हारे लिए एक छोटे से घर का इंतजाम कर दिया है हमने, चुपचाप इस पर साइन करो माँ। मैंने जब हस्ताक्षर करने के लिए मना किया। हस्ताक्षर नहीं करोगी?
यूं धमकाकर मुझे लकड़ी से मारने लग गए। नहीं, मुझे मत मारो, मैं हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हूँ। रोते हुए मैंने हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद उन दोनों ने मुझे एक छोटे से कमरे में भेज दिया। वहाँ मैं कैसे रही? मैं इस हालत में भी नहीं कि अकेली रह पाती, इसीलिए यहाँ काम करने के लिए आ गई। टोनी का दुखड़ा सुनकर छोटू तोता को बहुत बुरा लगा और मही को भी। ये कैसा काम कर गए? बच्चे ऐसे भी होते हैं भला? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वैसे तुम इसे जानती कैसे हो? मेरे बाबूजी के गुजर जाने के बाद मैं माँ के साथ सड़क पर रोती हुई बैठी थी, तब ये हमारे पास आई। कौन हो तुम और क्यों इस तरह सड़क पर बैठे रो रहे हो? मेरे पति मर चुके हैं, हमारी कोई जमीन जायदाद भी नहीं है। क्या करे समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आता, कहाँ अपना घर बसाऊँ, कैसे जीऊँ समझ नहीं आता। आपकी कृपा होगी अगर आप मुझे कहीं काम दिला दे। मेरे घर चलो। ये कहकर अपने घर ले गई और वहाँ हमें पैसे दिए। इन पैसों से कोई व्यापार शुरू करो, अगर तुम्हारी बेटी के पढ़ाई में कोई पैसे लगे तो मुझे बता देना। आपका दिल बहुत बड़ा है, मुझ जैसी अनजान औरत की तुमने पैसे देकर मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उनका आभार मानकर हम वहाँ से चले गए, व्यापार शुरू किया और हम बहुत डेवलप हुए और मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर पाई, ये सब इनकी वजह से हुआ। यूं छोटू ने सारी सच्चाई बताई। ये सुनकर मही ने कहा, इतनी नेक दिल वाली के पेट में ऐसे निर्दयी बच्चे हुए तो कैसे हुए, समझ में नहीं आता, ना जाने भगवान ऐसा क्यों करते हैं। मासी, हमारी माँ तो चल बसी, अब तुम ही मेरी माँ हो, मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूंगी, चलो मेरे घर चलते हैं। भगवान, मेरे बच्चों को तो मुझसे दूर किया, पर ऐसी सोने जैसी दिल वाली बेटी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यूं भगवान का आभार मानते हुए उसने मही से कहा, इतने दिनों तक मुझसे हुई गलतियों को नजरअंदाज कर मुझे तीन समय का खाना खिलाकर मेरा बहुत ध्यान रखा, धन्यवाद। भले ही आप डांटती थी पर उसमें भी प्यार हुआ करता था, मैं अब चलती हूँ। मही की आंखें नम हुई। मिलने के लिए आती रहना टोनी। टोनी ने हामी भरी और छोटू के साथ वहाँ से चली गई। छोटू टोनी को अपने घर ले गई और अपनी माँ की तरह उसकी सेवा करने लगी, उसकी हर जरूरतों को पूरा करती हुई उसका बहुत ध्यान रखने लगी। वो इतना ख्याल रखने लगी कि टोनी अपने बच्चों को ही भूल रही थी। टोनी ने मन ही मन कहा, भगवान बहुत बड़ा है, उसे कब किसको क्या देना है पता है, भले दिल वालों के साथ वो हमेशा भला ही करता है। भले कुछ दिन दुख में बीते पर आगे खुशी मिलेगी ही मिलेगी। मेरे पेट से जने बच्चे ही मुझे छोड़कर चले गए, अनजाने ही किसी दिन की हुई सहायता की वजह से इस सोने जैसी लड़की ने मुझे सहारा दिया। ये सोचते हुए उसकी आंखें नम हुई। माँ, बीती बातों को याद कर क्यों अपना दिल जला रही हो, बेटी या बेटा सब मैं ही हूँ। अब आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं, अब से हमेशा के लिए मैं आपका ध्यान रखूंगी। इस तरह उसे धीरज देने लगी। ठीक है बेटा, मैं जहाँ भी रहूंगी तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी, ऐसे टोनी ने कहा। उस दिन से वे दोनों माँ बेटी की तरह खुशहाल जीवन बिता रहे थे।